शरीफ में इफ्तारी करने के बाद मक्का शरीफ के लिए निकलूँगा जी। पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन की मस्जिद है। ट्रेन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद जवाद। इस टाइम मैंने अहराम वगैरह पहन लिया और मदीना शरीफ में हूँ। इफ्तार होने में तकरीबन 40 मिनट है, तो इंशाल्लाह मदीना शरीफ में इफ्तारी करने के बाद मक्का शरीफ के लिए निकलूँगा जी। पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन पर, ये उसका व्यू है, ये ट्रेन स्टेशन की मस्जिद है। चलें जी, अब अंदर चलते हैं। स्टेशन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी जो एक चीज़ मैंने अंदर आके देखी है, अगर आपने ऑनलाइन टिकट लेनी है ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे काउंटर है, आप यहाँ पे आकर भी टिकट ले सकते हैं। तो बाकी ये दिखाते हैं कि स्टेशन तो काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। الباسط الخافض الرافض المعز المنذر السامي البصير الحكم العبد اللطيف الخبير الحليم العظيم الشكور। ये सबसे ऊपर वाली हमारी ट्रेन है 0221। अभी तकरीबन आधा पौना घंटा पड़ा हुआ है जाने के लिए, यानी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। जब तक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ वहाँ पर क्या है, अपनी कोच नंबर ढूंढते हैं और सीट वगैरह देखते हैं कि कहाँ पर है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी निकलते हैं हम लोग। इन काउंटर्स पे टिकट स्कैन होती है, यहाँ पे से स्कैन करके यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। आगे फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। उससे पहले ये सारा सामान यहाँ से स्कैन होगा, स्कैन कर होके फिर हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। अब हम ये प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और सामने आई थिंक हमारी ट्रेन है। अपनी कोच नंबर और सीट नंबर वगैरह ढूँढते हैं। कोच नंबर 33, तो हमने जाना है 07 पे। 32 अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्त। 31, ये आप देख सकते हैं अंदर, शायद आपको कुछ नज़र आ रहा हो, बिजनेस क्लास है ये। 023 हमारी है, 007 लगता है एंड पे चली गई हमारी कोच जो है। इंजन आ गया इसका, ये एक इंजन के साथ दूसरा इंजन भी अटैच हुआ हुआ है, ये देखें। 008 गुजरी हमारे लेफ्ट साइड पे, और ये है जी 007 हमारी कोच ऑलमोस्ट एंड पर। यहाँ पे सामान वगैरह रखने के कोच दिए हुए हैं। الراقيب المجيب الواسع يا رب وإنا ربنا اللهم إنا نسألك ما سقينا هذا الحر والسيف ومن العمل ما ترضى اللهم علمنا ما تعلمنا وقي عنا
300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इस वक्त 10:50 हो चुके हैं और हम अपने घंटे में और पहुंच जाएंगे। यहां पर बैठा हुआ मैं थोड़ा सा बोर फील कर रहा था क्योंकि आसपास सारी फैमिलीज थी, मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सकता था, तो मैंने सोचा चलिए ज़रा बाहर चलते हैं, बाहर मतलब ट्रेन से बाहर नहीं, अपने कोच से दूसरी कोच में जाते हैं, थोड़ी सैर करते हैं और देखते हैं क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। अच्छा जी, ये कैफेटेरिया आ गया और ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, यहाँ पे आपको अंदर कॉफ़ी, स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं। अच्छा जी, टॉयलेट चेक करते हैं, ये इसका डोर है पुश टू ओपन, खुल गया। अच्छा, छोटा सा बेसिन लगा हुआ है यहाँ पे और अच्छा साफ़ सुथरा बनाया हुआ है। ये पानी चेक करते हैं, सेंसर के साथ है ये, हाँ आ रहा है पानी वगैरह। ट्रेन की थोड़ी बहुत सैर करके वापस आ चुके हैं और तकरीबन अभी हम मक्का के काफ़ी करीब हैं, 3 से 4 मिनट में मक्का का स्टेशन आ जाएगा। तैयारी करते हैं उतरने के लिए। الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم। الحمد لله جي مكة ستيشن پر آگے ہیں। बहुत ही शानदार और बहुत ही ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन्स बने हुए हैं और मुझे पर्सनली मक्का का ज़्यादा ख़ूबसूरत लगा है। आप ये देखें, मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। वो वहाँ से लोग ट्रेन से उतर के आके इधर जाएंगे, यहाँ से एग्ज़िट है काउंटर्स क्रॉस करने। That's it। ये एग्जिट गेट है रेलवे स्टेशन का और ये सामने निकलते ही बाहर माशाल्लाह क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। एक तो ये है कि अगर आप वो नीचे चले जाएं बेसमेंट में, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, अदरवाइज़ जैसा कि ये लिखा हुआ है मक्का बस हरम शटल सर्विसेज, अगर आप ये एरोज़ फॉलो करेंगे तो फाइनली आप वो सामने शायद आपको बसेस नज़र आ रही हों, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हरम शरीफ में ले जाएंगे। आए चले बैठते हैं, देखते हैं शटल बस सर्विस। भी अवेलेबल है, आप उसमें बैठ जाएं और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हरम पाक ले जाएंगे। दरवाजे खुल गए हैं, या क्रॉस करके एंटर हो जाएंगे आप। अभी बस में बैठ के हम हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं और ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए हम इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और आगे की जर्नी में आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।
الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور